बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, असातिज़ा ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। असातिज़ा के अखराजात और तनख्वाहों के मद में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। बैरून मुल्क जाने वाले 110 असातिज़ा में से 12 वापस न आए। यूनिवर्सिटी को 15 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। मुल्तान में जीएम सुगैस मीर बहादुर बुगटी से करप्शन केस की तहकीकात जारी। मीर बहादुर बुगटी का रिश्वत के तौर पर 70,000 यूरो अपने दोस्त के जरिए ले जाने का इंकशाफ। पंजाब कांस्टेबली बटालियन 3 केस में पेशरफ्त, साबिक डीडीओ एसपी बटालियन और मौजूदा एसपी इन्वेस्टिगेशन लैया मोहम्मद बाकिर गिरफ्तार। मुलजिम को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। फायर ब्रिगेड महकमे को जिद्दत देने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। म्युनिसिपल फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू में जम करने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट का मेयर्स और म्युनिसिपल चेयरमैन को मुरासला जारी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की हालत इजहार बेहतर बनाने की भी हिदायत। महकमा एक्साइज जदीद खतूत पर उस्तवार। स्मार्ट कार के बाद नई जदीद नंबर प्लेट की जानिब गामजन। यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स की टेक्निकल बर्ड मुकम्मल। कंपनियों के सैंपल लैब टेस्ट के लिए जर्मनी भिजवा दिए गए। मुल्तान एक्साइज शहरियों को बेहतर सहूलियात मुहैया करने में कोशा। मुल्तान एक्साइज सर्विस सेंटर का इफ्तिताह। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मोहम्मद मुमताज अहमद और एमएनए मलकामी डोगर की शिरकत। कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम से करप्शन का खात्मा होगा। जगह जगह नाके और चालान से मुल्तान के शहरी परेशान। मुतादिर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब और कहीं जेबरा क्रॉसिंग गायब। पहले सहूलियात तो पूरी दें फिर चालान किया जाए। शहरी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ फट पड़े। ट्रैफिक पुलिस का सताया शहरी, बाजार से हेलमेट चुराकर 9-2-11। बाबरपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंतजाम की नहली, तलबा की तालीमी काबिलियत को दीमक चाट गई। दीमक लगने से मैट्रिक सर्टिफिकेट और असनाद जाया हो गए। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस और अस्पताल हो जाएं होशियार। पंजाब हुकूमत करेगी सबका बेहतर मेयार। वजीर आला पंजाब का प्राइवेट अस्पतालों और कॉलेजेस के अमूर का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स बनाने का हुक्म। अस्पतालों में फीस स्ट्रक्चर, तिब्बी सहूलतों की फ्राहमी और डॉक्टर्स की भर्ती के तरीकाकार का जायजा लेगी। रहीमिया खान के इलाके जाहिर पीर में एमबीबीएस बीएसआईयों के नक्शे कदम पर चल निकले। सड़क किनारे चारपाइयां रखकर मरीजों का इलाज किया जाने लगा। अलनूर सर्जिकल के डॉक्टर तारिक फारूक और ज्या सर्जिकल के डॉक्टर ज्या जतोई की खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया खामोश। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान ऑपरेशन पर तजावजात माफिया परेशान। मुल्तान मंजूराबाद चौक पर कायम नजायज तजावजात मिसमार। डीजी खान में भी 800 कनाल जरी रकबा और भावलपुर में 7 एकड़ रकबा वागुजार। मुजफ्फरगढ़ मियांवाली सनामा समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां की गईं। चिश्ती में कब्जा माफिया का तजावजात ऑपरेशन में इंतजामिया पर तशद्दुद। नायब तहसीलदार की मुदैयत में 15 खवातीन समेत 35 अफराद पर मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कैसर सलीम ने भी तजावजात ऑपरेशन का जायजा लिया। जनूबी पंजाब को इंतजामी बुनियादों पर सूबा बनाने के लिए कमेटी काम कर रही है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजार की डीजी खान के वायदीन से मुलाकात। पसमानदा इलाकों के हालात बदलने का वादा पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। उधर मिंचनाबाद एमएनए 166 के एमएनए मियां अब्दुल गफार बट्टू की भी वजीर आला पंजाब से मुलाकात। अलहदा सूबे के क्याम के हवाले से हुकूमती सुस्त रवैया। मुल्तान में तहरीके सूबा मुल्तान के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हुकूमत अलहदा सूबा बनाने में संजीदगी नहीं दिखा रही। वज़ीरे आज़म इमरान खान की एन ए 95 मियांवाली से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान समेत दीगर फ्रीकेंट से 18 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। उधर सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका के खिलाफ नहली दरखास्त समाप्त के लिए मंजूर। कोर्ट ने फ्रीकैन को 12 अक्टूबर को तलब कर लिया। के दिल से हलफ उठाती हूँ
कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। विफाकी कबीना में मजीद तोसीद, रूबी पंजाब के मजीद दो MNA विफाकी कबीना में शामिल हो गए। डीडी खान के MNA जरदाद गुल को वजीर मुमलिकत माहौलियाती तब्दीली का, जबकि कोट अद्दू से MNA मियां शबीर अली कुरेशी को वजीर मुमलिकत बराए वर्क्स एंड हाउसिंग डेवलपमेंट का कलमदान सौंप दिया गया। मुल्तान PP 222 के जमीनी इंतखाबात, लीगी उम्मीदवार मेहदी अब्बास लंगा ने इलेक्शन से 10 बरदार होने की दरखास्त दे दी। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स मुल्तान भिजवा दिए। आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में साबिक वजीर आला गिरफ्तार, मेयर बहावलपुर अकीला जम हाशमी का सोशल मीडिया पर मजम्मती बयान। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि नैब ने साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ के MPA नदीम कुरेशी कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से अदारे मजबूत हो रहे हैं। अवाम के खादिम जान मखदूम सखी सर्वर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा की बेहिसी। नए पाकिस्तान में भी साइल मर खातून को फर्श पर बैठा दिया। शाही अफसर ने फरियादी की फरियाद भी सुनना गवारा न किया। काम से इनकार पर बिहाड़ी में जिम्मेदार का मजदूर पर तशद्दुद, अपने डेरे पर जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मौका मिलने पर मजदूर भाग निकला। एंटी करप्शन भावलपुर ने करप्शन और जालसाजी पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। उधर मेलसी में सरकारी राजी के जाली इंतकाल पर पटवारी समेत 2 अफराद गिरफ्तार। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा, सहराए चोलस्तान में 2 साल बाद पानी आने पर रिहायशी खुशी से निहाल। मछलियां पकड़ने के साथ साथ लोग नहाने का मजा भी लेने लगे। शहरियों ने इलाके झूमर डालकर खुशी का इजहार किया। डीडी खान सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का कमांड, डिप्टी कमिश्नर ने मुंतकिली के लिए रिकॉर्ड और तफसीलात तलब कर ली। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस लालपुर की रोड सेफ्टी आगाही मुहिम, एहलकारों और अफसरान ने शहरियों में पंपलेट तकसीम किए। रहीमिया खान सोना डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप क्वालिफाइंग ग्राउंड के दूसरे मैच में वेरियस क्रिकेट क्लब और अफगान क्रिकेट क्लब के माबैन टाकरा हुआ। अफगान क्रिकेट क्लब ने 135 रन से मैच अपने नाम कर लिया। किला कोना कासिम बाग स्टेडियम याल पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग, सुई सदरन गैस और नेशनल बैंक मद्द मुकाबिल दोनों टीमों का जारहाना खेल, मैच बिना किसी गोल के बराबर रहा। और मुल्तान कैंट के जरिए तमाम महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, इलाहाज अवैस रजा कादरी समेत मुल्क के नामवर नात खानों ने शिरकत की। नात खानों ने मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को मुनव्वर किया।